हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सो गाइज PQRS का एक पार्ट वन जो कि मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब यहाँ पर PQRS के लिए और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बताने थी, तो उसी के लिए मैं आपके लिए ये पार्ट टू वीडियो लेकर के आया हूँ। काफ़ी समय से बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, कल भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया 9:30 बजे। चल रहा है बच्चों फेस्टिवल सीजन चल रहा है आजकल, ये तो थोड़ा सा समय रहता है कम। लेकिन गाइस आज ये वीडियो है आपका PQRS का पार्ट टू और इसमें ये पूरी बात फिनिश होगी। तो जल्दी जल्दी आ जाइए लाइव फटाफट सभी लोग और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आपको PQRS की सोल्व करने की बेहतरीन ट्रिक्स के साथ में PQRS भी सोल्व कराए जाएंगे। यस गाइस, तो यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, PQRS के पार्ट टू को आगे बढ़ाएंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। बच्चों अभी तक हमने बात करी सब्जेक्ट की, उसके बाद हमने बात करी वर्ब की, अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर इनके बीच के पार्ट की। खाली सब्जेक्ट और वर्ब पर ही सेंटेंस नहीं टिका होता है बच्चों, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक सेंटेंस को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे कि आपने कहा द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। जो लोग मुझे काफ़ी समय से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं एक ट्रिक बताता हूँ बच्चों को कि प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं सेंटेंस के अंदर। जस गैस यहाँ पर बच्चों आज इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो आपका हिस्सा है ये क्या है। सो गैस इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बच्चों पार्टिटिव। जिस गैस ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं पार्टिटिव, यानी कि सेंटेंस का वह हिस्सा जहां से वाक्य का सब्जेक्ट निकलता हो, जहां से वाक्य का सब्जेक्ट निकलता हो। जैसे कि आपने कहा द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज हैज, जो भी आगे सेंटेंस रहेगा। बच्चों यहां पर बात हो रही है प्रिंसिपल की, कहां के प्रिंसिपल की, हमारे कॉलेज के। कहां के बच्चों, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल की। तो यहां पर ही जो कॉलेज का प्रिंसिपल निकल कर आया है ये बाहर आया है यहां से, तो ये सेंटेंस का हिस्सा कहलाएगा पार्टिटिव। हालांकि सेंटेंस में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि इसके हिसाब से कभी वर्ब आपकी नहीं आएगी, प्रपोजिशन के पूरे बाद वाले पार्ट को ही हम लोग सेंटेंस में नेगलेक्ट मानते हुए चलते हैं, यानी कि कुछ नहीं मानते हैं। वो कभी भी आपका एज ए सब्जेक्ट काम नहीं कर सकता है, यानी कि वर्ब कभी भी उसके हिसाब से आ ही नहीं सकती है। यहाँ पर बच्चों ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये इसका एक पार्टिटिव है, मीन्स ये जो सब्जेक्ट है इससे निकल के बाहर आ रहा है। प्रिंसिपल कॉलेज का, कहाँ का बच्चों, कॉलेज का, वर्ब आपकी प्रिंसिपल के हिसाब से ही आएगी। सो गाइस सेंटेंस का वह भाग या फिर वह हिस्सा जहाँ से वाक्य का सब्जेक्ट निकलता हो उसे बोलते हैं पार्टिटिव। कई बार सेंटेंस के अंदर वो आपको PQRS में सब्जेक्ट दे देगा और उसके बाद में फिर चार ऑप्शन दे देगा डायरेक्ट। ऐसे में बच्चे ढूंढते हैं डायरेक्ट वर्ब, लेकिन कई बार बच्चों आपको वहाँ पे पार्टिटिव भी फाइंड करना पड़ता है। यस गाइस, तो बच्चों पार्टिटिव की अपनी एक पहचान भी है, उसको पकड़िए आप पहले। तो यहां से पहचान क्या है बच्चों इसकी, प्रपोजिशन जरूर लगा होगा। यस गाइस, जैसे कि आपने कहा द क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर आर वेरी टफ। तो गैस यहाँ पर ये जो हिस्सा है, मतलब क्वेश्चन कहाँ के बच्चों, ये जो पेपर में आए हुए हैं, किस में आए हुए हैं, पेपर में, बहुत टफ हैं, तो ये वर्ब जो है क्वेश्चंस के हिसाब से है। ऑफ दिस पेपर आपका पार्टिटिव है और ये हिस्सा आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट फिलहाल की कंडीशन में। यस गैस, तो पार्टिटिव की पहचान है कि प्रपोजिशन जरूर होगा साथ में, ऑफ दिस पेपर, ऑफ द कॉलेज, तो ये आपका कहलाएगा पार्टिटिव। क्या कहलाएगा बच्चों आपका पूरा हिस्सा, ये पार्टिटिव। इससे बच के रहेगा गाइस, क्योंकि सेंटेंस में आपको देगा वहां पर एक सब्जेक्ट दे दिया,
क्या दे दिया उसने आपको, एक सब्जेक्ट दे दिया, फिर पी क्यू आर एस में उसने आपको दे दिया है, कहीं वर्ब दे दिया डायरेक्ट आपका बेवकूफ बनाने के लिए, कहीं कुछ दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, और कहीं पे दे दिया उसने पार्टिटिव। तो गाइस अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे पार्टिटिव की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि उसने कहा सेंटेंस में यहाँ पर द पॉपुलेशन, उसने यहाँ कह दिया हैज, यहाँ जो भी कहा उसने, जो भी कहा उसने यहाँ कह दिया ऑफ इंडिया। सो गाइस पॉपुलेशन एक रिसीवर सब्जेक्ट है और कहीं ना कहीं से निकल कर आया होगा बाहर। तो यहाँ पे गाइस ये पॉपुलेशन जो है इंडिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इंडिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर पहले आपका ये हिस्सा आएगा, बाद में आएगा हैज, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड, जो भी मतलब होगा सेंटेंस, ये तो सिर्फ एक परफॉर्मा है आपको बताने के लिए कि कुछ इस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है एग्जाम के अंदर। लेकिन गाइस आपको बी अटेंटिव, सावधान रहना है, धैर्य से काम करना है, लेकिन इतना भी धैर्य से काम नहीं करना है कि आप 5 PQRS करने में 10 मिनट ले लें। ओके गाइस, इसलिए आपको ये बेहतरीन ट्रिक्स दी जा रही हैं जिससे कि आप बहुत ही ईजिली वे में अपना काम करते हुए आगे बढ़े। यस गाइस, तो यहाँ पर गाइस ये बात थी PQRS की। अगला जो हिस्सा है बच्चों वह हमारा सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बच्चों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेंटेंस का। जैसे कि आपने लिखा रामा इज माइजर, रामा कंजूस है, रामा कंजूस है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो कंजूस है ये रामा ही है। इन्हें बोलते हैं बच्चों नाउन एडजेक्टिव, यानी कि वो एडजेक्टिव जिनके अंदर नाउन भी छुपा हुआ है। यानी कि यहाँ पे गाइस आपको स्पेशल इसके लिए कोई वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि रामा इज अ माइजर मैन, यस ये कहना बिल्कुल रॉन्ग होगा। आप इसके साथ मैन नहीं लगाएंगे और मैन नहीं लगेगा तो इससे पहले आर्टिकल भी आपका नहीं लगेगा। तो गाइस यहाँ पर रामा इज माइजर, तो गाइस ध्यान देना सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये आपका माइजर। क्या हुआ बच्चों, आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है वो काम कर रहा है आपका माइजर। कैसे काम कर रहा है जरा समझो बात को बच्चों। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखा, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा गया शब्द, लिखा गया शब्द, लेकिन सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाला, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाला शब्द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। भले ही आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आ रहा है, वर्ब के बाद आया गया पार्ट आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो भले ही आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आ रहा है लेकिन ये क्वालिफाई कर रहा है सब्जेक्ट को ही, इसलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सारे वर्ड ऐसे नहीं कि सभी वर्ड कॉम्प्लीमेंट होंगे, जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीफाई करेगा उसके लिए बच्चों। जैसे कि उसने कहा आई वेंट टू दिल्ली, तो गाइस यहाँ पे दिल्ली कोई सब्जेक्ट को नहीं कर रहा है रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे गाइस ये आपका एक सिंपल ऑब्जेक्ट है। यस आपने कहा यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, तो ये आपका जो है ग्रेट, यू को ही लिए आपका आया यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे ग्रेट हुआ आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है बच्चों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ग्रेट यू को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए बच्चों यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा और वो कहलाएगा आपका सिंपल ऑब्जेक्ट। ओके गाइस यहाँ चीजें और ध्यान से देखिएगा, अगर सेंटेंस कभी भी आपका कनेक्टेड हो, हू होम विच व्हाट दैट, बच्चों 5 सेंटेंस अगर आ रहे हैं आपके एग्जाम में, यस गाइस, तो आपको एक सेंटेंस जरूर मिलेगा इनका, हु होम विच व्हाट दैट। इनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं गाइस इनको, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको बच्चों सभी कोई। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी कभी सेंटेंस में हो सबसे पहले आपको, जैसे मान लीजिए उसने सेंटेंस दे दिया डॉक्टर आर स्वामी और फिर छोड़ दिया यहाँ पे पी क्यू आर एस और यहाँ पे कहीं पे हु दे दिया है, तो गाइस यहाँ पे ध्यान देना आप सेंटेंस में जो चीज़ें ध्यान देने की है PQRS के दौरान। आपको पता है बच्चों हु से पहले जो है, यानी कि जो दोनों हैं इनसे पहले कोई व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि कोई पर्सन आपका इनसे पहले होना चाहिए, कोई ना कोई पर्सन जरूर रहेगा इनसे पहले और आप देख रहे हैं हु के पहले। तो गाइस यहाँ पे ये तो पर्सन है, हो सकता है इसके बाद ये आ जाए, लेकिन फिर भी क्या पी के आखिरी में कोई पर्सन है चेक कीजिएगा, क्या क्यू के आखिरी में कोई पर्सन है चेक कीजिएगा, क्या एस के आखिरी में कोई पर्सन है
चेक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि तीनों के आखिर में कोई पर्सन नहीं है तो गाइस ये कंफर्म है कि इसके बाद पहला ऐसा सेंटेंस का आर होगा। क्या होगा इसके बाद पहला ऐसा सेंटेंस का आर होगा, द डॉक्टर डॉक्टर आर स्वामी हु, जो भी आएगा आगे। हालांकि यहाँ पे बच्चों क्या फॉर्मेशन रहता है मैं आपको पूरा बता दूँ, एक अच्छे से ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे पहले ये सब चीज़ें सीख लो आप लोग, फिर आगे बताऊंगा आपको इसके बारे में। लो पेपर मिटा दूँ क्योंकि यहाँ पे गोला बन चुका था। हु होम विच वट और दैट, यहाँ पर ये आपका एक सब्जेक्ट है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो गाइस जो सब्जेक्ट है उनके बाद में आया करती है वर्ब भी। क्या आया करती है वर्ब भी, जैसे कि इसके बाद वर्ब आएगी, इसके बाद आएगी, लेकिन इसके बाद वर्ब नहीं आएगी कभी, ध्यान रहना बच्चों। इसलिए मैं इस पर स्टार बना रहा हूँ बहुत बढ़िया वाला। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हु के बाद वर्ब आएगी, विच के बाद वर्ब आएगी, वट के बाद वर्ब आएगी, दैट के बाद वर्ब आएगी, जब ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहे हैं। जब एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहे हैं तो वर्ब आएगी, लेकिन जो वर्ब आएगी वो इनसे पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी, ध्यान रखें। यस गाइस समझना बात को, इनके बाद जो वर्ब आएगी वो इनसे पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी, पहली बात। दूसरी बात, जो वर्ब होगी वो होगी इन्हीं की, यानी कि इसके लिए भी एक और वर्ब आएगी। यस गाइस, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। इसकी ही वर्ब है ये, लेकिन ये इसकी पसंद से आई है, अभी इसकी वर्ब आगे आएगी कहीं भी। यस गाइस, यस हो सकता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, इसकी वर्ब आपके आगे ही आएगी। यस तो यहाँ पर ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आपको याद रखनी होंगी। पी क्यू आर एस में आपको जो हु होम विच वट दैट से एक सेंटेंस डेफिनेटली दुखी करने वाला है, ध्यान रखें बच्चों को अच्छे से। तो गाइस यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान देना होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही रहती है आपके बच्चों। देखिए आपके जो हु है और ये हुम है, ये लगते हैं दोनों पर्सन के लिए। किसके लगते हैं बच्चों? ये पर्सन के लिए। विच आपका लगता है नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए बच्चों? नॉन लिविंग के लिए। वट आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए। दैट कुछ फिक्स केसेस में आपका आ करता है, द सेम, यस, ऑल। तो यहाँ पर कुछ फिक्स कंडीशन में आपका दैट हमेशा रहता ही रहता है। यस गाइस, यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान देना है हमें, जो मुख्य चीज़ है ध्यान देने की, वो यह है बच्चों, इनसे पहले आने वाला नाउन इनसे जस्ट पहले ही होना चाहिए, इस बीच कुछ भी नहीं फंसेगा। यस, और उससे पहले कोई आर्टिकल भी रहेगा, ध्यान रखिए। जैसे कि एक सेंटेंस मेरे सामने आ रहा है, बहुत प्यारा सेंटेंस है, उसने कहा शी एट All the food in no time, which her father brought for her brother, not फोर हर। सो गाइस यहाँ पे हमने एक चीज़ गौर करी है, वो गौर करनी पड़ेगी आपको भी। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है ये वो रिलेटिव प्रोनाउन फूड के लिए है। किसके लिए बच्चों? फूड के लिए है। शी एट ऑल द फूड इन नो टाइम विच हर फादर ब्रॉट फॉर हर ब्रदर नॉट फॉर हर, यानी कि उसने वो सारा खाना बहुत जल्दी खा लिया जो उसके पिताजी उसके भाई के लिए लाए थे, ना कि उसके लिए। यस गाइस, क्या बता दीजिएगा, बहुत प्यारी सी घटना है ये। तो गैस यहाँ जो विच है आपका, ये विच से पहले आपका फूड आना था, द फूड, लेकिन इस बीच उसने क्या लगाया? इन नो टाइम। तो ये आपका यहाँ से हटेगा और ये जाएगा आपका यहाँ पे पीछे। शी एट इन नो टाइम ऑल द फूड विच, बच्चों यही बात मैंने आपको बताई है कि विच से पहले आने वाला नाउन जस्ट पहले ही होगा, इस बीच कुछ भी आपका नहीं होना चाहिए, जो कि उसने लगाया यहाँ पे पीपी। ओके गाइस, तो रिलेटिव प्रोनाउन का ये फंडा है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यस, आपको यहाँ से एग्जाम में एक पी क्यू आर एस जरूर आना है, साथ ही साथ ये आपको हो सकता है कि क्लोज टेस्ट में भी देखने को मिल जाए। यस, और कहीं देखने को मिल जाए, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान तो रखनी होगी। एक बात का और मैं आपको बता दूँ बच्चों, इनसे आने वाली एरर, बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं इसको लेकर के, सब्जेक्ट वर्ब कुछ भी यहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट तो नहीं कहेंगे उसको आप, रिलेटिव प्रोनाउन, फिर एक और वर्ब।
तो गाइस ये जो वर्ब होगी इसके हिसाब से आएगी, ये कंफर्म है। यस, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब होगी इसके हिसाब से। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगी, और अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगी। लेकिन अगर यहां पीछे सब्जेक्ट वर्ब ओनली फिर एक और सब्जेक्ट फिर रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो अब सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब आएगी, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आपकी नहीं आएगी, क्योंकि पीछे आ चुका आपका ओनली। क्या चुका पीछे आपका ओनली। तो यहाँ ये ओनली आपका दिमाग खराब कर सकता है, इससे थोड़ा सावधान रहिएगा बच्चों। यस गाइस, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से एक पिक वाला जरूर आना है, कॉमन एरर में भी इसके आधी प्रॉब्लम दे दी जाती है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिल इन द ब्लैंक्स नाम के चैप्टर में भी इसके एक या दो प्रॉब्लम दे दी जाती है। तो आपको पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके चलना होगा, जिससे कि आप इससे आने वाली प्रॉब्लम्स पर अपनी अच्छे खासे कमांड बना सके। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन से आपकी प्रॉब्लम रहेंगी। अभी गाइस जो यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रही है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में, वो है आपका एट्रीब्यूट। क्या है बच्चों? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है बच्चों? आपने कहा माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। बच्चों यहां पर आपने दो चीज गौर कर रहे हैं, एक तो लगाया उसने सब्जेक्ट माधुरी दीक्षित, और एक सब्जेक्ट उसने लगा दिया है द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। सो गाइस यहां पर बात ध्यान देना, सब्जेक्ट की क्वालिटी बताने वाला शब्द आपका कहलाएगा सब्जेक्ट एट्रीब्यूट। क्या कहलाएगा बच्चों? आपका सब्जेक्ट एट्रीब्यूट। तो यहां पे ये जो फाइनेस्ट एक्ट्रेस है ये आपका एक एट्रीब्यूट है। अब यहां पे बच्चों क्या होता है, आपने कहा द ग्रेट सिकंदर, हालांकि सिकंदर को बच्चों अंग्रेजी में अलेक्जेंडर बोलते हैं, द ग्रेट सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट। यहां बच्चे बहुत सारे मात्रा में कंफ्यूज होते हैं कि द ग्रेट पहले आएगा या फिर ये द ग्रेट बाद में आएगा। आपको बताना है सेंटेंस में कि द ग्रेट पहले रहेगा या द ग्रेट बाद में रहेगा। सो गाइज मैं आपको बता दूं इसके बारे में एक बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो आप याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको आने वाले दिनों में कभी दिक्कत नहीं होगी। बच्चों ध्यान देना, एट्रीब्यूट जो है बच्चों आपका हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहता है। किसके रहता है? पहली बात। दूसरी बात, एट्रीब्यूट को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मतलब आपने कहा माधुरी दीक्षित, क्या कहा बच्चों आपने? माधुरी दीक्षित। अब आप यहां पे इसे बढ़ा सकते हैं, हु इज अ फाइनेस्ट एक्ट्रेस। तो यहां आपने हु लगा करके इसको बढ़ा दिया है। यस गाइस, तो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा था कि एट्रीब्यूट को बढ़ाया जा सकता है कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लगा करके, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन पर कि किसके लिए आ रहा है वो। यस गाइस, तो यहां पर एट्रीब्यूट हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहेगा, सब्जेक्ट से पहले कभी एट्रीब्यूट नहीं आएगा। अगर आप कह रहे हैं द ग्रेट शिवाजी, तो गाइज ये कहना आपका होगा गलत, आपको बोलना पड़ेगा शिवाजी द ग्रेट। क्या बोलना पड़ेगा बच्चों? शिवाजी द ग्रेट, तब जाकर के हमारा काम होगा सफल। यस गाइस, तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन से जो प्रॉब्लम आनी थी वो तो आनी थी, ये एट्रीब्यूट भी आपको कुछ इसी तरह से प्रॉब्लम लेकर जाएगा। तो एट्रीब्यूट से आपको अपने आप को सावधान रखना होगा, तभी जाके सावधानी बढ़ती जाएगी। सो गाइस, एग्जाम से एक ये क्वेश्चन आपके सामने, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, पहले आप अपने स्तर पर इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इवन टूडे इन मैनी कंट्रीज नेग्लेक्टेड एंड देर आर फार विमा कंटिन्यू टू बी हु हैव हैड द बेनिफिट ऑफ फीवर विमन वुमा देन मैन एडुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। सो गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन भी है, पी क्यू आर एस भी है, ऑप्शन भी है, पी आर के ओ एस, के ओ पी आर एस, एस के ओ आर पी या फिर आर के ओ पी एस। तो गाइज यहाँ पर आप लोग क्या लगाने वाले हैं, आपको पहले अपना आंसर देना है क्या हो सकता है आपके हिसाब से, और कितनी देर में आप लोग इसे कर लेते हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। ओके गाइज करिए फटाफट से। चलिए बच्चों यहाँ पे ना हम लोग कुछ
कुछ चीज़ें देखते हैं, पकड़ते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम में कैसे पकड़ेंगे। यहाँ पे PQRS अगर एग्ज़ाम में आ रहा है तो हम लोगों को उसे किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, अपनी कमियों को उसको पकड़ते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बी, हमें पता है कि बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। क्या करती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। दूसरी बात मुझे दिख रहा है यहाँ पे हु, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे हु से पहले मुझे कोई व्यक्ति चाहिए, क्या चाहिए मुझे? हु से पहले कोई पर्सन चाहिए। बच्चों हु से पहले पर्सन कौन सेंटेंस में है? इसमें तो आया नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है सिर्फ, वहाँ पे भी नहीं है। तो गाइस यानी कि ये बात पक्की हो गई है कि यहाँ पर पहले ये आएगा बाद में ये आएगा, यानी कि एस आर इकट्ठे आएंगे, एस आर इकट्ठे आएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो पी वाले में है, यानी कि फिर क्यों के बाद पी आएगा, क्यों के बाद आपका पी आएगा। दूसरी बात यहाँ पे फार वर्ड आ रहा है बच्चों, क्या वर्ड आ रहा है आपका यहाँ पे? फार। इसके बाद में कोई कंपैरेटिव डिग्री आएगी, क्या आएगी? कंपैरेटिव डिग्री, वो रही आपके यहाँ पे एस में। किस में रही बच्चों? एस में, यानी कि पी के बाद एस आएगा। पी के बाद क्या आएगा बच्चों आपका? एस आएगा। अब सेंटेंस शुरू हो रहा है एस से। हालांकि बच्चों यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान देना होगा आपको, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देते हुए चलना होगा कि आपको ऑप्शन पर भी निगाह रखनी है कि ऑप्शन किससे शुरू हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे शुरू करता हूँ सेंटेंस को, इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज फीवर वुमा देन मैन हु हैव, एस आर इकट्ठा आना है और एस आर यहाँ पे हमारा किसी में भी इकट्ठा नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हमें पकड़ना होगा सेंटेंस को कि सेंटेंस में कहाँ लेके जाएं। अब ये कन्फर्म है कि क्यों के बाद पी पे कहाँ आए, क्यों के बाद पी किसने मारा है उसको पकड़ेगा, या आपका आ रहा है इसमें और इसमें, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ये कन्फर्म है, ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। वुमन कंटिन्यू टू बी नेग्लेक्टेड एंड देयर आर फार फीवर वुमा देन मैन हु आर। तो बच्चों एस के बाद आपका आना है आर, एस आर ढूंढिए कितनों में यहाँ पे इकट्ठा। तो गैस यहाँ पर आर एस है पहले, चलो देखते हैं यहाँ पे यस गैस, या तो इसका आंसर ये होना चाहिए या फिर ये आंसर आना चाहिए। अब इनमें से कोई एक आंसर आपको ढूंढना है। पहले हमने लगा दिया इसका आंसर बी के बाद थर्ड फॉर्म, फार के बाद अब हमें ढूंढना होगा यहाँ पे हु हैव हैड द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग आर और एस। तो गैस यहाँ सेंटेंस में जो हमें दिखाई दे रहा है सबसे पहले हिस्सा, ये कन्फर्म है कि हमारा ये सेंटेंस आपका कन्फर्म है कि सेंटेंस ये बिल्कुल पूरी तरह से क्यों से बनेगा, क्यों पहले आएगा, उसके बाद में आपका आएगा पी, क्यों पी। इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज वुमन कंटिन्यू टू बी, बी के बाद थर्ड फॉर्म आगे नेग्लेक्टेड एंड देयर आर फार, फार के बाद आपका एस आ गया है और एस के बाद आपका आ जाएगा आर। सो गैस ये बनेगा आपका क्यों पी एस आर, यहाँ ये ऑप्शन लगता है मेरे से गलत हो गया बच्चों, क्यू पी एस आर इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओके गाइस, तो कुछ इसी तरह से आपको फॉर्मेशन लेकर चलनी होगी एग्जाम में। यहाँ मैंने आपको इतना समय लंबा लिया जानबूझ कर जिससे कि आपको समझ में आ सके बात। यस गाइस, आपके लिए एक और सेंटेंस लेता हूँ मैं अभी यहाँ से एग्जाम में आया हुआ, फिर उसके बाद में गाइस हम लोग आपको यहाँ पे अगर कुछ रहता है तो अगली वीडियो में कवर करेंगे, अन्यथा तो इसी वीडियो को पूरा करते चलेंगे। तो गाइस एक सेंटेंस और आपके सामने इसी बीच, बहुत प्यारा सेंटेंस, ढंग से देखिएगा बच्चों। कह रहा है कि एक्चुअली फॉर हिम, यहाँ पर पहला सेंटेंस उन्होंने जो रखा, ये गाइस ध्यान देना इस बात पे, छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको जो आगे लेके जाएंगी। यहाँ पर उसने आपके सामने प्रपोजिशन पार्ट रख दिया, क्या रख दिया यहाँ पर आपको उसने प्रपोजिशन पार्ट, यानी कि मैंने आपको बताया कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। अब इसे कुछ नहीं मानते हैं तो ये हिस्सा पूरा कुछ ना कुछ रहा ही नहीं, ये पूरी तरह से बेकार हो चुका है। अब अगर ये बेकार हो चुका है तो हमें सेंटेंस में सबसे पहले ढूंढना क्या है, ढूंढना होगा सबसे पहले हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट, क्या ढूंढना होगा सबसे पहले सेंटेंस में हमें सबसे पहले ढूंढना होगा सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, क्या ढूंढना होगा बच्चों? सब्जेक्ट। तो गाइस यहाँ पे सब्जेक्ट देखिएगा, वाज मोर इंपॉर्टेंट देन द डेवलपमेंट इनटू अ फ्री मैन ऑफ द इंडियन। तो गाइस जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो है द डेवलपमेंट, क्या बच्चों? द डेवलपमेंट, जो कि आपका एक रिसीवर सब्जेक्ट है, क्या आपका ये एक रिसीवर सब्जेक्ट है बच्चों, रिसीवर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे पार्टिटिव आ जाएगा आपका द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन, द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन, जो भी रहेगा क्यों वैसे इकट्ठा आएगा। अब क्यों वैसे कितनों में इकट्ठा है वो सिर्फ एक में ही है बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आपका होने वाला है पहला करेक्ट। यस गाइस, इसका आंसर जो है आपका वो हो जाएगा पहला करेक्ट। तो कुछ इसी तरह से हम लोग PQRS पर बनाएंगे अपनी कमांड। अभी तो ये अभी पार्ट टू है इसका PQRS का, अभी पार्ट थ्री आपके सामने आएगा, वहाँ कुछ सेंटेंस सॉल्व कराऊंगा, फिर पूरी तरह से मैं आपको इसमें कमांड बनाकर दूंगा आपकी। यस गाइस, सो फाइल गाइस फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जो चैनल पर अभी अभी आए हैं गाइस, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि सुबह 8 बजे और रात को 9:30 बजे हमारे यहाँ डेली क्लास रहता है और बीच में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन क्लासेस आपके लिए हम लोग प्रोवाइड कराते रहते हैं। ओके गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।